नरकटिया का अनुमंडल अस्पताल में बुधवार को 15 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए टीकाकरण शांतिपूर्ण तरीके से कराया गया। आपको बता दें, वैक्सीनेशन कराने आए बच्चों को सबसे पहले कोविड टेस्ट कर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चेक करते हुए आधार कार्ड की छाया प्रति जमा कर वैक्सीनेशन के लिए भेजा जा रहा था। वहीं अनुमंडल अंतर्गत 7 जगहों पर टीकाकरण कैंप लगाकर 15 से 18 वर्षीय बच्चों को कोवैक्सीन का टीका लगाया जा रहा है। नरकटियागंज हॉस्पिटल में NM रूमन श्रीवास्तव एवं अमरेश कुमार द्वारा बच्चों को कतारबद्ध कर टीकाकरण कराया गया। इस दौरान बच्चों में उत्साह देखने को मिला। सभी बच्चे और बच्चियों में काफी खुशी थी। सभी लोग काफी एक्साइटेड थे कि उनको उनकी पहली डोज मिल रही है। वहीं इस पूरे मामले पर चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर सुनील कुमार ने बताया कि बच्चों को कोवैक्सीन का टीका दिया जा रहा है और उम्मीद है कि 26 जनवरी से पहले सभी बच्चों को टीकाकरण कर दिया जाएगा। बच्चे को कोवैक्सीन अभी दिया जा रहा है और हम उम्मीद करते हैं 26 जनवरी से पहले इस टारगेट को पूरा कर लिया जाएगा। कहने का मतलब है सभी बच्चे को दे दिया जाएगा। 15 से 18 साल के सभी बच्चे को 26 जनवरी से पहले टीकाकरण कर दिया जाएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ऐसी वीडियोस अपडेट्स के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहे हमारे चैनल फोर्थ पिलर लाइव। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी वीडियोस अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहे और देखते रहे हमारा चैनल फोर्थ पिलर लाइव।